ऑल राइट, तो कैसे हम गिनने वाले दोबारा से माइनक्राफ्ट और यहाँ पर अपना चुके स्टनर एसएमपी में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो पीछे आप लोगों को मेरा घर दिख रहा होगा और यहाँ पर उन्होंने शॉप भाई तगड़ी एसएमपी बना दी। मतलब जहाँ पर अपन पहले शुगर केन काटते वहाँ पर इन्होंने बस कॉम्प्लेक्स बना दिया, वहाँ पर नीचे शीप और वो ऊपर खेती और उसके ऊपर शुगर केन, भाई मतलब तहाई मचा दी। गज यहाँ पर मैं सुबह शुगर केन तोड़ ले आता हूँ। यहाँ पर मेरे पर नेदरराइट पिकेक्स हो चुके हैं, यहाँ पर 3 डेब्रिज जो है मुझे स्टनर भाई ने ट्रेड में दे दिए हैं और मैंने उनको भाई 21 डायमंड भी दिए थे। हाँ, फॉर्च्यून 3 से भाई मस्त डायमंड मिल गए मुझे बाद में मैं और माइनिंग करने गया। और गाइस यहाँ पर मेरा बेस है, आपको पता ही, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है बेस। मैंने बेस में थोड़े विलेजर्स रख दिए हैं और मतलब आप खुद देख लो अभी क्या दिखने वाला है आपको बेस में, एकदम तगड़ी चीज़ गाइस यहाँ पर आपको दिखने वाली है बेस में। तो भाई यहाँ पर आप देख लो अपना डायमंड आर्मर, पूरा का पूरा डायमंड का असली डायमंड है, नकली डायमंड नहीं है ये। और गाइस यहाँ पर चेस्ट खोलते हैं, यहाँ पर मेरे पास 14 डायमंड अभी भी पड़े हैं, मतलब पैसा अभी बहुत है अपने पास, तवाही मचा दी मतलब भाई पूरी। और गाइस यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत विलेजर्स भी ले आया हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ, मतलब एक गली सी है यहाँ पर जाके मैं बहुत सारे विलेजर्स ले आया हूँ, 2 ही हैं इनके पास ब्रीड करके करेंगे। यहाँ पर एक विलेजर मुझे मेंडिंग दे रहा है और एक मतलब बाकी है, बाद में बताऊँगा वो सब मैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मैंने शुगर केन भी अपने फुल लगा दिए, मतलब भाई एमराल्ड की कमी नहीं होनी चाहिए। गाइस यहाँ पर एक तो ये रास्ते मैंने थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग से बना रखे, वैसे अब ये बेस मुझे चेंज करना है क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। और गाइस अगली वीडियो में अपन ये पूरा डायमंड आर्मर पहन लेंगे जब अपन और भी अमीर हो जाएंगे, फिर डायमंड से डायरेक्ट नेदरराइट कर लेंगे अपन। ऊपर के साथ शुगर केन है और उसके ऊपर हाँ यहाँ पर शायद वीट है, हाँ तो सबसे ज़्यादा वीट भी तोड़ लेंगे। ओके यहाँ पर इन्होंने बस तोड़ रखी है ऑलरेडी, मुझे खाने की वजह से ज़रूरत है जितनी भी, ओ भाई वो जितनी भी अपनी बहुत है अच्छी सारी 42 बहुत है गाइस, 42 कुछ ज़्यादा ही हो गई। ठीक है गाइस, तो बस यहाँ पर मैंने अपने थोड़ा घर का बेस ना लेकर मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया इसलिए। और गाइस यहाँ पर मतलब एसएमपी में आता हूँ ना, जब सारा काम वीडियो ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं जब आता हूँ ना, जब मेन काम में चालू कर देता हूँ पता नहीं क्या ही चलता है। अगर जब भी एसएमपी में कोई भी नहीं है तो गाइस यहाँ पर अपन थोड़ा अपना घर भी बना लेते हैं। ये देख लो भाई एकदम बेस है गाइस, एक सीक्रेट बेस नहीं बेस है, घर अपने लग्जरी वाला बनाएंगे अपने घर के ना, जो बेस है ना ऊपर वाला वो मैं बाद में बताऊँगा, जब उसके जस्ट बाजू में बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से मैं वीडियो देख लेता हूँ क्या क्या बनाना है। ओके तो यहाँ पर मुझे स्लैब्स लगानी है, तो स्लैब्स कितनी पड़ी है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके क्राफ्टिंग टेबल बन चुके हैं, क्राफ्टिंग टेबल से जल्दी से यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ जितनी भी स्लैब्स बन रही होती बना लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर अब जल्दी से स्लैब्स जो है मैं लगा देता हूँ, कुछ ऐसे ही पैटर्न में लगानी है मुझे। ठीक है अब मुझे यहाँ पर लगानी है क्राफ्टिंग टेबल, बीच में आएगी। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल थोड़ा बहुत देख लिया, अब यहाँ से सोचते क्राफ्टिंग टेबल तोड़ देते हैं और यहाँ से गाइस यार मुझे उसके बराबर ले जाना है, तो एकदम सही है ना हाल फिलहाल, तो एकदम सही है। ओके मैंने थोड़ा बहुत बना लिया था, स्टेप्स की कमी पड़ चुकी थी और मैं वीडियो चालू करना भूल गया, मतलब स्कैम हो गया था अपने साथ। ओके यहाँ पर तो एकदम सही है गाइस यार, एकदम सही डिज़ाइन है, तो मुझे यहाँ पे यूँ ले जाना है इसको, फिर दो आगे एक यहाँ पर और एक इसके जस्ट आगे एक और फिर इसके बाजू में। ओके कनेक्ट हो जाए बस ये। ओके एकदम परफेक्ट कनेक्ट हो चुका है गाइस यहाँ पर, अब देखते हैं अब इसको पूरा फिल करना है। ठीक है तो जल्दी से गाइस यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर जल्दी से अपन को फिल कर देते हैं, बस सीढ़ियों के वहाँ से नहीं ले जाना, एक बार मैं वापस देख लेता हूँ ढंग से। ओके तो गाइस यहाँ पर इतना ही है, तो भाई जल्दी से गाइस पूरा फटाफट फिल कर देते हैं। मुझे लग रहा है स्लैब्स की कमी पड़ जाएगी, पेड़ तोड़ने तो जाना ही पड़ेगा, लोहाई पड़ गई। ओके बस ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत और लानी। ओके मेरे पास प्लैंक्स दूसरी है, वो ओक डार्क ओक है, मुझे नया वाह वाटर बकेट काम ही आई, तो
तो जल्दी से घर जाते हैं, जल्दी से पेड़ तोड़ के लाते हैं। चलो भाई जल्दी से पेड़ तोड़ के लाते हैं, स्प्रूस पेड़ मेरे को सारे तोड़ने हैं, स्प्रूस लॉग या लॉग लोग लोग लॉग पता नहीं, जल्दी से गाइस। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पेड़ तोड़ लिए, थोड़ी बहुत और तोड़ लेते हैं, कमी नहीं पड़नी चाहिए। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं तोड़े, फिर भी तो ठीक है, राहत भी होने को आई। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर पेड़ तोड़ने चल लेते हैं, वुड के अपने पास, फूड के अपने पास अभी कमी नहीं है। तो भाई जितना वो ना भाई विलेजर्स भी इन्होंने ये भर भर के लिया भाई, पूरा इन्होंने वो बना दिया ना टाउन हॉल टाइप, मुझे मंदिर लगा भाई सच में, इसकी डिज़ाइन आगे से कुछ मंदिर। ओ भाई ये क्या है, बेड, ओ बेड के अलावा भर गया ये पूरा। ओ मैं इस पर बेड रख के देख रहा था लैब बेड पर कुछ होता है क्या, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओके तो भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपन सो जाते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर अपनी एकदम गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो गाइस यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। ओ भाई क्या बचा हूँ मैं, ओ शिट ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ओ इंटरनेट प्रॉब्लम भाई, मैं डर गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मुझे लगा कि ये क्या सीन है भाई, मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया मुझसे। ओके इंटरनेट प्रॉब्लम है, वापस तो नहीं हो रहा ना कुछ, ऐसे नहीं कि क्रीपर के पास छोड़ दो, एचपी कम कर दी तुमने मेरी। ओके तो गाइस यहाँ पर अब जितनी भी जो है, भाई क्राफ्टिंग टेबल खुलना, ओ भाई क्राफ्टिंग टेबल। ओके इंटरनेट प्रॉब्लम गाइस बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है, तो यहाँ पर गाइस मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ इसके। अब प्लैंक्स में ज़्यादा नहीं स्लैब्स नहीं बनाऊंगा, वरना वो बाद में काम नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मैं स्लैब्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर भाई स्लैब्स बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पेपर बना लेंगे क्योंकि इन्वेंट्री पूरी भर गई थी, लेकिन बात तो एक ही पड़ी। ठीक है गाइस यार, तो यहाँ पर स्लैब्स बना लेते हैं। ओके जगह फुल हो चुकी है, सबसे तो इन्वेंट्री खाली करने जाने ही पड़ेगा मुझे लगता है। ओके चलो भाई ये प्लैंक्स फेंक दो जल्दी से गाइस, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ओके तो मुझे कुछ ऐसी लगानी है, उसको अंदर का पूरा फिल करना है, उसके ऊपर एक और रूम है, उसके ऊपर एक और रूम है, जो सबसे टॉप वाला है ना वो कुछ छोटा सा ही है, मतलब उसके कुछ बाहर जाने का मतलब नहीं, अपन बना सकते हैं वैसे बनाना हो तो। देखता भाई जल्दी से गाइस यहाँ पर अपन पूरे एरिया में स्लैब्स कर लेते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर अपनी स्लैब सारी लग चुकी है, और गाइस यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ऊपर जाने के पिलर भी बना लिए हैं। अब मुझे इसके साइड में ना कुछ स्टेयर लगानी है,
ओके, तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ ग्लास लगाना है, तो वो मैंने लगा दिए हैं। मुझे गाइस यहाँ पर सेंटर पॉइंट ढूंढ के और भी कुछ लगाना था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर के मुझे प्लैंक्स चाहिए होंगी, इसके ऊपर एक और रूम बनेगा, उसके लिए मुझे ऊपर प्लैंक लगानी है, उसके बाद तो वही पूरे भाई की मेहनत लग रही है ना। अच्छा हो तो मैं फास्ट ऑर्डर करके बता रहा हूँ, वरना कुछ ये कुछ 80 मिनट्स की वीडियो बनी थी पूरी, मेरे ख्याल से तो 80 मिनट्स की बनी थी। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऊपर वाला एरिया भी पूरा बना दिया है। अब मुझे गाइस यहाँ पर सेंटर पॉइंट ढूंढना, और सेंटर पॉइंट के ऊपर से स्टेयर एक बनानी है, लाइक लैडर लगानी है, स्टेयर नहीं लैडर लगानी है। ओके, तो यहाँ पर मैं जल्दी से गाइस इसके ऊपर जाके है ना वहाँ पर लैडर लगाना चालू करता हूँ। ओके तो अरे अरे नीचे गिर गया रे भाई, अब वापस नीचे नहीं गिरना है। ओके तो ये सेंटर पॉइंट है क्राफ्टिंग टेबल के जस्ट बाजू वाला, जस्ट बाजू नहीं एक ब्लॉक छोड़ के यार, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ स्लैब्स ले जानी है क्योंकि मेरे पास प्लैंक्स नहीं है, तो स्लैब्स चल जाएगी। ओके हो गया गाइस, अब मुझे इसके इस साइड आके ऊपर छेद करना है, छेद करना है भाई छेद। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ ये लेता हूँ, उससे मुझे बनानी है थोड़ी बहुत स्टिक्स, स्टिक से बनाऊंगा मैं लैडर, कुछ 3 से 4 लैडर जितनी बन जाएगी उतनी बना लेता हूँ। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर मैंने लैडर भी लगा दिए। अब गाइस यहाँ पर मुझे ऊपर वाला एरिया बनाने के बाद मैंने वुड लगा लिया, उसके बाद मुझे स्टेयर की कुछ डिज़ाइन देनी है, तो पर एकदम डिज़ाइन भी वाइज मैंने दे दिए हैं यहाँ पर गाइस। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत सैंड लेना आया था क्योंकि मुझे ग्लास बनाना है, और घर अपना जो है गाइस आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, मुझे बस थोड़ा सा ही बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सैंड ले लेता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही तोड़ ली मुझे लगता है, चलेगी गाइस ज़्यादा तो उसकी इन्वेंट्री है। ओके तो गाइस यहाँ पर इन्वेंट्री मैंने पूरी खाली कर दिया भरेगी कैसे भाई, तो जल्दी से जो है सैंड को स्मेल्टिंग में डाल देते हैं, फिर भाई ग्लास बनेंगे, फिर भाई एकदम तगड़ी लुक आने वाली। और यहाँ पर भाई देख लो सारे शुगर केन बिक चुके हैं, यहाँ से भाई मस्त पेपर की ट्रेनिंग करेंगे, एमरल्ड ही एमरल्ड, एमरल्ड का ब्लॉक बनाएंगे, एमरल्ड से बीकर बनाएंगे, बहुत काम बचा है इससे। तब तक हमने सर्वाइवल सीरीज से बनाना भूल गए हैं, अगर मैं एक सर्वाइवल चैलेंज बनाने की भी सोच रहा हूँ, देखते भाई कब तक आता है वो। तो आप गाइस मेरा बेस का जाने का रास्ता ये नहीं है भाई। ओके ये रहा ये रहा डेकोरेटेड बेस, जैसे ये बेस अब जाने वाला है, कोई बात नहीं भाई यार थोड़े दिनों का मेहमान है बेस। तो यहाँ पर जितनी भी जो है मैं आधी आधी डाल देता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं एकदम टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ, यहाँ पर भी मुझे अब जो है भाई ग्लास लगाना है, छोटा सा एरिया बनेगा, यहाँ पर ग्लास बनाना है, ऊपर प्लैंक लगानी है, उसके बाद स्लैब लगानी है, मतलब बस छोटा सा एक रूम टाइप है, उसमें चेस्ट रख दूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो और क्या ही करूँगा। तो यहाँ पर गाइस मुझे सेंटर ब्लॉक से 1, 2, 3, 4 चौथे ब्लॉक में मुझे ये लगानी है ना। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने स्लैब्स लगा, मैंने स्टेयर लगाने वाला था लेकिन कुछ ज़्यादा ही गलत लग गई स्टेयर, मेरे ख्याल से नीचे जाके काम होएगा ये, आई थिंक सो, ठीक है हो जाएगा यहाँ से भी। तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ स्टेयर लगाने मैंने गलत लगा दी थी सारे स्टेयर अपनी, पूरी एकदम सही करनी पड़ेगी यार, इतनी मेहनत के यहाँ से भी तोड़ो 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 भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर स्टेयर मैंने लगा दिया, अब यहाँ पर मुझे कुछ स्लैब्स लगानी है, मुझे डिज़ाइन ही समझ नहीं आ रही है उस बंदे ने कैसी डिज़ाइन बनाई है, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है एक दो ब्लॉक्स में भाई पूरी। ओके तो गाइस यहाँ पर अपना घर पूरा बन चुका है एकदम तगड़ा वाला, और मेरी आवाज़ को पता नहीं अभी बीच में क्या हो गया था। तो भाई यहाँ पर अपना भाई बहुत ही मस्त घर बना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं देख लेता हूँ भाई सब तो सही है ना। यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत एमराल्ड भी ले लिए थे, तो करके नीचे चलते हैं। तो एमएलजी हो गया हो गया हो गया हो गया डाउन। ओके एमएलजी भी ओपी, और यहाँ पर अपना घर जो है भाई फर्स्ट पर्सन, नहीं नहीं अब नहीं बोलेंगे कुछ, अब कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलो गाइस इसकी सैल्यूट के लिए इतना ही, अगर आपको अर्ली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना देना, मतलब अगली वीडियो में।